और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा है कि तीन लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो तीन लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राणा सनाउल्ला हैं, और वो मेजर जनरल फैसल हैं। से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा है कि तीन लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो तीन लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राणा सनाउल्ला हैं, और वो मेजर जनरल फैसल है। ये जो कातलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है, और मुतालबा ये है कि इन तीनों को अपने ओहदे से हटाया जाए, और अगर इनको अपने ओहदे से नहीं हटाया गया तो फिर मुल्कगीर एहतजाज होगा, और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसे चलता रहे अमूमी हालात के साथ जब तक इन तीन लोगों को नहीं हटाया जाता। ये खान साहब ने पैगाम दिया है सारी कौम के सुनने के लिए, और इसके ऊपर जो है जाहिर है तमाम पार्टी के वर्कर्स और जो लोग भी हैं वो इंतजार करेंगे। जिस दिन भी या जिस वक्त भी खान साहब ये कॉल देते हैं इस एहतजाज की, तो फिर मुल्क भर में एक एहतजाज शुरू हो जाएगा, अगर जो खान साहब ने मुतालबा किया उसको पूरा नहीं किया गया।